रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नूर। अल्लाह ताला के फजल करम और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे चिकन चाइनीज सैंडविच। आप लोग इफ्तारी में फ्राइड चीज़ खा के थक गए होंगे, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको कुछ अलग लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमें चिकन चाइनीज सैंडविचेस के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें हम लोगों ने चिकन ले लिया थोड़ा सा, दो ढाई चम्मच हमने केचप ले लिया, सिंपल टमाटो केचप, और दो चम्मच हमने मायोनीज ले लिए, एक अदद गाजर ले लिया ऑरेंज वाली जिसको हमने ऐसे ब्लॉक्स में काट लिए, देखें इस तरह से, और हमने 10 ब्रेड के सैंडविच ले लिए, वाइट ब्रेड लिए हमने, मिल्की नहीं ली, और दो चम्मच हमने चिली सॉस लिए, डेढ़ चम्मच चिली गार्लिक केचप, एक अदद हमने शिमला मिर्च लिए जिसको हमने ऐसे काट लिए छोटा छोटा, नमक ले लिया हसबे ज़रूरत, चौथाई चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ले लिया, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें। अभी हम लोग सबसे पहले ब्रेड के किनारे उतार लेंगे। हम लोग यूँ ब्रेड लेंगे और यूँ एजेस के काट लेंगे, इसी तरह हम सारी ब्रेड काट लेंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेड के हम लोगों ने एजेस निकाली हैं और जो किनारे हमने निकाले हैं वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। देखिए, और ये हम लोगों ने इसके निकाल किनारे उतार लिए। अब हम लोग चिकन को पकने के लिए रख देंगे फ्राई पैन में। फिर हम लोगों ने पैन रख दिया चूल्हे पे, अब हम लोग स्टोव ऑन कर लेंगे। ये हमने चूल्हे जला लिए, अब हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे, जो हम लोगों ने आपको दो चम्मच मायोनीज बताई थी ना, उसमें से हम एक चम्मच इसमें ऐड करेंगे मायोनीज ऐड करने के बाद अब मैं इसमें एक चम्मच सिंपल टमाटो केचप ऐड करूँगी। एक चम्मच चिली सॉस ऐड करूंगी। आधा चम्मच चिली गार्लिक सॉस ऐड करूंगी। ये चिली गार्लिक सॉस हमारा घर में बनाया हुआ है, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी हमारे चैनल अगर आप लोग देखते हैं तो। ये देखें, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा और पका लेंगे चिकन को और फिर कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और हम लोग ने चिकन को पका लिया, अब हम मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। और जब तक चिकन को हमने कवर करके रखा है तब तक हम लोग ब्रेड तैयार कर लेंगे। ब्रेड को सबसे पहले यूं रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे, ऐसे फ्लैट कर लेंगे, फिर एक कटर ले लेंगे या किसी भी चीज़ का कैप ले लें, उसको ऐसे काट लेंगे कटर की मदद से। ये व्यूअर्स, ये ब्रेड अलहदा हो गई है। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे ब्रेड को। फिर देखिए, हमने इसको ब्रेड को ऐसे सर्कल्स में काट लिए, अब हम इसको दोबारा से रोलिंग पिन की मदद से एक बार फिर बेल लेंगे। ये पक लेंगे एक स्लाइस और इसको अच्छे से दोनों साइडों से, इसी तरह हम लोग बार बार बेल लेंगे सारी की सारी।
देखिए इसी तरह सारी बेल लेंगे। व्यूअर्स आज 20वां रोज़ा जो है वो कंप्लीट हो गया, दूसरा अशरा भी ख़त्म हो गया। व्यूअर्स देखें सब ब्रेड के जो सैंडविच में नाइफ हमने कटिंग की थी वो सारे देखें हमने बेल लिए। देखें अब हम इसको एक प्लेट में रखेंगे। दूसरी साइड से चिकन जो है वो भी तैयार हो रहा है हमारा। चिकन को कवर किए हुए हमें 5 से 10 मिनट हो गए थे और चिकन हमने थोड़ा बहुत सॉफ्ट कर लिए, हमने इसको अभी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अभी जो चिकन ने पानी छोड़ा है अभी हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसको किसी फोर्क की मदद से श्रेड कर लेंगे। हम लोगों ने चिकन का अच्छे से पानी खुश कर लिया, अब इसको फोर्क या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से श्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको हाथ की मदद से भी श्रेड कर सकते हैं। मैं इसको हैंड ब्लेंडर में श्रेड करूँगी, इसमें थोड़ा अच्छे से श्रेड हो जाता है। ये देखिए मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया, अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन डाल के मैं इसको अच्छे से श्रेड कर लूंगी। सो व्यूअर्स ये सैंडविच बहुत अच्छे बनते हैं, आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। इसी अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा इसको खाने का। इफ्तारी में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से श्रेड कर लेंगे। इसे इस पैसे में श्रेड करिए। ये बहुत सॉसी और जूसी बनते हैं सैंडविच। इसी तरह मैं अच्छे से सारे श्रेड कर लूँगी। अच्छे से श्रेड कर लिया, ये देखिए श्रेड हो गया। ये अब हम इसके अंदर से ये ब्लेड निकालेंगे और हम लोगों ने पैन के नीचे चूल्हा जला दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया पैन में। अब ये चिकन हम लोग पैन में डाल लेते हैं। ये देखिए सारा चिकन डालूंगी पैन में। व्यूअर्स आज भाई मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत तेज चल रही है। अल्लाह ताला ने रोजे बहुत अच्छे गुजार दिए सारे, बहुत अच्छा मौसम रहा पूरे रमजान में। थोड़ा सा इसको चिकन को भून लेंगे। चिकन को भूनने के बाद अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी। सबसे पहले शिमला मिर्च ऐड कर दिए, अब मैं इसमें गाजर ऐड करूंगी। गाजरों को मैंने डालने से पहले अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही पकाऊंगी। कवर नहीं करना हमने, अगर कवर कर देंगे तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगी शिमला मिर्च और गाजर, सॉफ्ट हो जाएंगी तो इतना मज़ा नहीं आता। ये थोड़ी रहती है ना खड़ी खड़ी तो क्रंची क्रंची टेस्ट आता है सैंडविचेज में। थोड़ा सा हम लोग इसको भून लेंगे। वेजिटेबल्स डाल के हमने अच्छे से भून लिए इसको।
अब हम लोग इसमें सॉसेस डालेंगे। सॉसेस डालने से पहले हम फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे। मैं सबसे पहले पैन में मेयोनीज डालूंगी। मेयोनीज डालने के बाद अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूंगी। चिली सॉस डालने के बाद अब मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डालूंगी। चिली गार्लिक केचप हमारे घर में बनाया हुआ है, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और अब टमाटो केचप डालूंगी। टमाटो केचप डालने के बाद अब जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो डालूंगी, जिसमें काली मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्च शामिल थी। अब ये सब कुछ ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया तो जल्दी से करें, और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। देखें, कितना सॉसी सॉसी सा बना है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। सॉसेस सबसे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए गाजरें। 5 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। हम लोग ने 5 मिनट अच्छे से इसको भून लिए। अब मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है, अभी चिकन मैं उसमें डाल लूँगी और चिकन को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दूँगी। प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में डाल के इसको अच्छे से फैला लेना ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए, सो व्यूअर्स, देखें हमारी फिलिंग जो है, बैटर जो ये बिल्कुल तैयार है, वो ठंडा भी हो गया है। अब हम स्लाइस ले लेंगे ब्रेड के। देखें इसके अंदर आप फिलिंग रखें। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं फिलिंग को। बस फिलिंग ऐसे रखनी है कि किनारों तक ना आए। किनारे दूसरे ब्रेड अब रखेंगे और किनारे अच्छी तरह से दबा के आप इसको बंद कर लें। देखें अच्छी तरह से सील कर लेंगे हम किनारे। ये सैंडविच जो है ये डीप फ्राई नहीं होंगे, बिल्कुल हल्का सा इनको हम ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, जिस तरह की आप ब्रेड को चाहें शेप दे लें, सैंडविच की शेप दे लें। हम आज फ्राई पैन में बना रहे हैं। अच्छी तरह से इनके किनारे जो हैं वो आप सील कर लें ताकि जब आप फ्राई पैन में डालें तो बैटर जो है वो बाहर ना निकले। इसी तरह हम सारे बना लेंगे, सील कर लेंगे सैंडविच, उसके बाद आपको फ्राई करके दिखाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सैंडविचेज हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं, ये देखें, और ये अच्छे से सील हो गए। बस फ्राई पैन हमने रख लिया। हम इसमें तकरीबन आधा टेबल स्पून जो है ऑयल डालेंगे और हम सैंडविच अपने रख लेंगे। सैंडविच बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करने हैं, हल्का सा हम कलर देंगे इनको। देखें
ये देखें कलर आ रहा है ब्रेड को, अच्छा कलर आ रहा है। जी देखिए ये सैंडविच कितने अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये ऐसे हम सारे निकाल लेंगे। जी देखिए हमारे मज़ेदार चिकन चाइनीज सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हैं और ये कितने अच्छे बने हैं देखें। यम्मी सब व्यूअर्स, इतने रोज़े रखने के बाद फ्राइड चीज़ें खाने का दिल नहीं करता, इसलिए ये स्पेशल रेसिपी इफ्तारी के लिए थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नूर अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।